देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रश गौरी। खबरों की शुरुआत करेंगे रायपुर से। राजभवन में राज्य स्तरीय अलंकरण एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है और समारोह में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राज्य के उत्कृष्ट स्काउट एवं गाइड रोवर रेंजर्स स्काउटर्स और गाइडर्स को सम्मानित किया गया है। इस समारोह में प्रदेश भर से स्काउट गाइड के 158 कैडेट्स शामिल हुए। अलंकरण समारोह के दौरान घोषणा करते हुए कहा गया है कि प्रति वर्ष 3 स्काउट्स और गाइडर्स को 10,000 रुपए, दो दो रोवर्स और रेंजर्स को 5,000 रुपए और 3-3 स्काउटर्स और गाइडर्स को 10,000 रुपए नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। मैं कॉलेज के तरफ से भी आभार प्रकट करती हूँ कि हमें इतना बड़ा सम्मान मिला है और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मैम के सामने हम यहाँ पे आए हैं और अपना भरपूर प्रेजेंटेशन दिए हैं। बहुत अच्छे से हमारे बच्चों का स्काउटिंग रही, हमारे बच्चों की बहुत अच्छा प्रदर्शन हम दिए हैं। इसके लिए मैंने स्काउट्स के लिए 10,000 का, गाइड के लिए 10,000 का और इनके जो शिक्षकों के लिए भी 10,000 का और भी इनके जो ग्रोवर रेंजर और ये है इनके लिए भी घोषणा किया है और ये सम्मान जो है राज्यपाल के द्वारा ही उनको दिया जाएगा। पहली बार ऐसा हुआ है कि राज्यपाल के पदक का घोषणा की गई है, जो लगभग 14 अवार्ड जो है यहाँ के स्काउट्स, गाइड्स, ग्रोवर्स, रेंजर्स और जो शिक्षक जो इनको ट्रेनिंग देते हैं उनके लिए ये जो है गवर्नर के ओर से प्रशस्ति पत्र के साथ नगद राशि का दी जाएगी। स्काउटर, गाइडर और रोवर रेंजर के बच्चों को विशेष नगद राशि और प्रमाण पत्र और पदक के साथ में उन्हें राजभवन में ही हर साल सम्मानित किया जाएगा। इससे आज पूरे स्काउट गाइड के बच्चों में बहुत ज्यादा खुशी की लहर उठ पड़ी है और सब लोग और ज्यादा अपने उद्देश्य और कर्तव्य को और काम करने के लिए लालायित हो गए हैं। रायपुर